एसपी ट्रैफिक डॉक्टर एमपी सिंह के द्वारा सिविल लाइन स्थित काली मंदिर के पास वाहन वर्कशॉप के सामने वाहन खड़ा करने हेतु व यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए निरीक्षण किया गया, जिसमें दुकानदारों, व्यापारियों और कारीगरों के हितों को ध्यान में रखते हुए एसपी ट्रैफिक के द्वारा निर्णय लिया गया कि दुकान के आगे टीन शेड छज्जा जो कि नाले के पीछे है उसको ना हटाया जाए, क्योंकि धूप व बारिश में छांव का काम करता है। नगर निगम द्वारा उक्त स्थान पर डस्टबिन रखा जाएगा। नाले के बाद नगर निगम एवं जिला प्रशासन की सहमति से एक लाइन खींची जाएगी, जिसमें गाड़ी खड़ी करके मरम्मत की जा सके। एसपी ट्रैफिक ने काली मंदिर के पास स्थित पार्किंग हेतु समस्त दुकानदारों को मिलकर एक गार्ड रखने का सुझाव दिया गया, जिससे कि गाड़ियों को कतारबद्ध किया जा सके, जिस पर सभी व्यापारियों ने एसपी ट्रैफिक की प्रशंसा की, जिसके संबंध में एसपी ट्रैफिक डॉक्टर एमपी सिंह ने बताया कि यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए गोलघर के व्यापारियों से बात की गई है, जिस पर सभी व्यापारियों ने अपनी सहमति जताई है कि वह अपने दुकान के सामने वाहन नहीं खड़ा करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यापारी बात नहीं मानता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर वह जुर्माना वसूला जाएगा। इस अवसर पर सिविल लाइन के पार्षद अजय राय सहित व्यापारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से दूरभाष पर बात करते हुए एसपी ट्रैफिक डॉक्टर एमपी सिंह ने कहा, भैया पीछे क्या आज काली मंदिर स्थित जो हमारे ये व्यवसायी हैं, मोटर मैकेनिक हैं, तो इन लोगों से मैंने उन्हीं के प्रतिष्ठान पे जाके वार्ता की और उनसे अतिक्रमण में सहयोग हेतु जो है वार्ता की, तो सभी लोग स्वेच्छा से एक वहां पे गार्ड रखने के लिए तैयार हैं जो ट्रैफिक रेगुलेशन करेगा, और ये लोग अपनी गाड़ियों के लिए जो है समेट लेंगे उसको पीछे के लिए। और गोरखपुर के नागरिकों की ये पहल, व्यवसायियों की ये पहल बहुत अच्छी नजर आ रही है, और मेरा सभी व्यापारियों से अनुरोध है कि इसी प्रकार से ट्रैफिक रेगुलेशन के लिए अपने यहाँ सुरक्षा कर्मी या कोई और कर्मी एक निर्धारित ड्रेस में डिप्यूट करें, जो आने जाने वाले गाड़ियों के लिए, वाहनों के लिए, उनके लिए निर्देशित करें, ताकि शहर की पार्क यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके और आम नागरिकों के लिए कोई असुविधा ना हो और हम गोरखपुर शहर के लिए सुरक्षित बना सके। थैंक यू वेरी मच सर। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो इस अपील को नहीं मानते हैं तो क्या आप इसमें कोई कोर्सिव एक्शन मिलेंगे? देखिए, हम तो चाहते हैं कि जिस हिसाब से हमारा शहर बदल रहा है उसी हिसाब से लोगों को अपने सिविक सेंस के लिए सभी को और उच्च स्तर पे लाना होगा, तो इसलिए नागरिकों से अपील की जा रही है, और जो लोग अपील के लिए स्वीकार नहीं करेंगे और सामान्य यातायात व्यवस्था में अवरोध पैदा करेंगे उनके खिलाफ सुसंगत आईपीसी और मोटर व्हीकल एक्ट और नगर निगम के नियमों के अंतर्गत विधिक कार्यवाही की जाएगी।